हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे स्पाइसी रेसिपी चैनल पे। आज हम मोमोज बनाने का रेसिपी बताएंगे। तो ये मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमको मैदा चाहिए। हमने 250 ग्राम मैदा ले लिए हैं। मोमोज के स्टफिंग बनाने के लिए हमने पत्ता गोभी को थोड़ा सा काट करके इसको कद्दूकस कर लिए हैं, और दो चार कली लहसुन कर ले करके इसको छोटा छोटा पीसे काट लिए हैं। एक हमारे पास गाजर था, उसको भी हम कद्दूकस करके रख लिए हैं। और ये पनीर है, 100 ग्राम है, हमने अपने हाथों से घर पे बनाए हैं। और थोड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा लेकर के इसको भी कद्दूकस कर लिए हैं। एक बड़ा सा प्याज लेकर के इसको छोटे छोटे पीसे काट लिए हैं। और इसमें 6-7 हरी मिर्च लेकर के इसको काट लिए हैं। अब हम मोमोज बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। तो हम मैदे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे आटे की तरह, जैसे हम लोग आटे गूंथते हैं। हमारा डो बन करके रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे ताकि हम चिकना कर सकें। इसको ऐसे मिला लेंगे। हमारा डो बन करके रेडी हो गया है। अब इसको हम ढक देते हैं एक प्लेट से, इसको रख देंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। हमारा कढ़ाई गरम हो गया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। थोड़ा सा हमारा तेल गरम हो जाए। हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, इसमें लहसुन को डाल देंगे, प्याज को भी डाल देंगे। तो मिक्स कर देते हैं। 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। हमारा प्याज हल्का फ्राई हो गया है। अब इसमें गोभी डाल देंगे। हम पत्ता गोभी को डाल देते हैं। गाजर को भी डाल देते हैं। अदरक को भी डालेंगे। इसको मिक्स कर देते हैं। अब 2 मिनट तक इसको पकने देते हैं। हमारा गोभी फ्राई हो गया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। इसमें पनीर को भी डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा स्टफिंग बन करके रेडी हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले पूड़ी बनाएंगे। तो पूड़ी बनाने के लिए हमको डो में से थोड़ा सा लोइया निकाल लेना है। इसमें से थोड़ा सा डो तोड़ेंगे और ये हाथ के दोनों हथेली की सहायता से ऐसे ऐसे हम इसको गोल कर लेंगे। इसी तरह से सारे लोइए को हम बना करके रेडी कर लेंगे। हम एक लोइए को ले लिए हैं, इसमें थोड़ा सा आटा लगाएंगे, इसको चपटा करेंगे इस तरह से। अब इसको बेलेंगे।
हम पूरी के शेप दे देंगे। इस तरह से हम सारे पूरी को बेल करके रेडी कर लेंगे। हम सारे पूरी को बेल करके रेडी कर लिए हैं, एक पूरी ले लिए हैं। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे। अब इसको साड़ी के प्लेट के जैसे हम प्लेट दे करके मोमोज बना लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम सारे मोमोज को भर करके रेडी कर लेंगे। हमारा सारा मोमोज भर करके रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम मोमोज को स्टीम करेंगे। इसके लिए हम एक कुकर ले लिए हैं। इसमें हम एक गिलास पानी ले लिए हैं, जो गर्म पानी है, कुकर में ही रख करके गर्म कर लिए हैं। इसमें एक टिफ़िन डालेंगे हम। इस पर एक प्लेट रख देंगे। अब इसमें हम मोमोज को रखेंगे। आप देख सकते हैं हम मोमोज को रख चुके हैं। अब कुकर को बंद कर लेंगे। अब हम स्टीम करने के लिए इसको चूल्हे पर रख देंगे। दो सीटी लगवाएंगे। हमारा मोमोज बन करके रेडी हो गया है। कुकर में दो सीटी लग गया है। अब इसको हम खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मोमोज बन करके रेडी हो गया है। इसको अब हम निकाल लेते हैं। हम अपने मोमोज को निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारा मोमोज बन करके रेडी हो गया है। अब मोमोज से खाने के लिए हम चटनी बनाएंगे। हमारा मोमोज बन करके रेडी हो गया है। अब हम उसके लिए चटनी बनाएंगे। ये हमारा 4-5 लाल मिर्च है, इसको हम भिगो लिए थे 10-15 मिनट पहले। ये लहसुन का कली है, 10 हम छोड़ा करके रख लिए हैं। ये अदरक के टुकड़े हैं, इसको छोटे छोटे पीसे काट लिए हैं। एक टमाटर लिए हैं, इसको भी पीस में काट लिए हैं। अब इसको मिक्सी जार में हम डाल लेंगे। टमाटर को डाल देते हैं, लहसुन की कली को डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसमें मिर्च को डाल देंगे, इसको पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा चटनी बन करके रेडी हो गया है। इसको हम मोमोज के साथ खा सकते हैं। अब हम अपने मोमोज को सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन करके रेडी हो गया है। आप अपने घर पर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।